जय हिंद अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से खेमलता जी, दूरबीन द्वारा कान के पर्दे के ऑपरेशन के बाद लगभग 30 दिन बाद आपके ऑपरेशन से पूर्व की हम सुनाई की जांच सबसे पहले देखना चाहेंगे। आपके दोनों कानों पर मिक्स हियरिंग लॉस था, सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस, नर्व लॉस था और साथ ही साथ में सीधे कान में पर्दे में छेद के चलते आप हियरिंग एड यूज़ नहीं कर पा रहे थे या एडवाइजेबल नहीं था। दूरबीन द्वारा कान के पर्दे का ऑपरेशन हुआ, आपको डायबिटीज़ व अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसके चलते हमने मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक दूरबीन पद्धति द्वारा कान के ऑपरेशन को चुना और आज दूरबीन द्वारा कान के ऑपरेशन के लगभग 30 दिन बाद हम कान की आंतरिक स्थिति का अवलोकन करना चाहेंगे। जो डायबिटीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो टाके वाले ऑपरेशन का होता है कि घाव भरने में कई महीने लग जाते हैं। यहाँ हमने सूचरलेस टेक्निक दूरबीन आंतरिक पद्धति का उपयोग किया। हम देखते हैं, सबसे पहले कान का पिछला हिस्सा दिखाइए। हम देख रहे हैं कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है क्योंकि यह ऑपरेशन पूर्ण आंतरिक विधि से हुआ था, इसलिए कान के पिछले हिस्से पर किसी प्रकार का चीरा टांका निशान नहीं है, ठीक है। और अब हम कान के आंतरिक हिस्से को देखना चाहेंगे और हम देख रहे हैं नवतरुण पर्दा अपनी मजबूत स्थिति में। ये नया टिम्पेनम नया पर्दा है पूरा, पहले यहाँ पूरा छेद था, ठीक है। ये हम देख पा रहे हैं नवतरुण पर्दा, ठीक है। ये नया ईयर ड्रम बन गया आपका पूरा, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ये हो पाया, आपने अपने शुगर पे अच्छा कंट्रोल रखा, उसकी वजह से लगातार रख रखाव की वजह से, ठीक है। यूजली डायबिटीज में हीलिंग डिले होती है, यहाँ पे उल्टा हुआ, हीलिंग 30 दिन में ही पूरी हो गई। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट बाय द पेशेंट एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ पेशेंट। थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। और अब हम आपके परिजन से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या अनुभव रहा। पहले आपने नाम, मेरा नाम परिचय दीजिए। संजीव कुमार है जी, और ये मेरी माता जी है जी। बस पहले तो उनको सुन ज्यादा आवाजें आ रही थी जी, की वजह से हमें जो है ऑपरेशन कराना पड़ा जी। तो अब देखते हैं क्या रहता है, अभी तक तो ठीक है, ठीक है, अभी तक कंट्रोल है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको आगे भी शुगर का नियंत्रण रखना होगा और अब हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप तेजी से रिकवर हुए और अब आप हियरिंग एड 15 दिन बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।